हेलो बच्चों, आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ये भी काफ़ी मेंस में आ रहा है, फेमस क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर जिसको आता है जिसको नहीं आता है वो इस पैटर्न पे ध्यान रखेगा। ओके, तो ये सब ऑप्शंस है, इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस दिया हुआ मैंने। तो देखो, पहले सबसे पहले तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका जनरल टर्म लिखेंगे हम, रैशनल नंबर टर्म, इरेशनल, जो भी पूछा है वो सब के लिए आपको जनरल टर्म ही लगने वाला है। तो जनरल टर्म क्या होता है हमारा, टी आर प्लस वन होता है, आर प्लस वन टर्म होता है, जिसमें पहले आता है एन सी आर। तो 20 एन इज 20, 20 सी आर जो मुझे चाहिए, 20 करोड़ जो नहीं दे रहा कोई। फिर फर्स्ट टर्म 4 रेस्ट टू पावर 1/3 होल रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। फिर सेकेंड टर्म 1/6 रेस्ट टू पावर, दिस इज द सेकेंड टर्म, 6 रेस्ट टू पावर 1/4 होल रेस्ट टू पावर आर। ये अपना जनरल टर्म है, थोड़ा इसको सजा के लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे। 4 20 माइनस आर बाय 3 ये मल्टीप्लाइड हो गया, 1 रेस्ट टू पावर एनीथिंग इज 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, 6 रेस्ट टू पावर आर ये इधर नीचे पहुंच जाएगा, r/4। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, रैशनल टर्म इरैशनल टर्म। अब इरैशनल रैशनल क्या होते हैं, जब अगर 2 है उसके पावर में 1/2 आ गया तो इरेशनल हो जाता है, या 1/3 आ गया तो इरेशनल हो जाता है, 1 आ गया तो नहीं होगा, 2 आ गया तो नहीं होगा। तो बेसिकली रेडिकल साइन हटानी है। तो अगर हम इन दोनों के 4 और ये 4 और ये 6 के ऊपर से रेडिकल साइन हटा दे तो वो रैशनल बन जाएंगे। तो देखो, ये r/4 की रेडिकल साइन हटानी है, ठीक है। अब r कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेके मैक्सिमम आर 20 तक जा सकता है, क्योंकि एन तक जा सकता है, एन इज 20 है ना। इसमें आप 0 1 2 मैक्सिमम 20 तक पुट करोगे, T21 तक जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 21 होते हैं। तो आर को मैं अगर 0 सेलेक्ट करूँ, 0/4, तो 6 का रैशनल साइन हट जाएगा। लेकिन आर को अगर मैं 1 ले लूँ तो 1/4 नहीं, रेडिकल साइन रहेगा। 2/4 1/2 हो जाएगा। आर को 3 ले लूँ, 3/4 रेडिकल साइन रहेगा। 4 लिख दूंगा तो 4/4 रेडिकल साइन हट गया, पावर नॉर्मल हो गया, इंटीजर हो गया। वैसे ही ऊपर 4 के मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 का टेबल चलना चाहिए ऊपर। तो नेक्स्ट डायरेक्ट 8 आएगा, 8/4, फिर आएगा 12/4, 12/4 भी चलेगा, 3 हो जाएगा, फिर आएगा 16/4 और फिर आएगा 20/4। आर 20 ज़्यादा हो नहीं सकता। ये सब टर्म्स, ये सब आर की वैल्यूज इस 6 रेस्ट टू पावर r/4 को रैशनल बना दे रही है। अब ये तो इसके हिसाब से लिखे हमने, अब इसके हिसाब से भी सोचते बेचारे के हिसाब से, 4 इज टू पावर 20 माइनस r/3। इसके हिसाब से अगर सोचे, r अगर 0 लिख देंगे तो 20 माइनस 0, ना 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 ना, r का पावर अभी भी 20/3 आ रहा है, नहीं, फेल। 4 लग के देखो, 20 माइनस 4 16/3, ना 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 ना, ये भी नहीं, फेल। 8 रखो, 8 20 माइनस 8 12, 12/3, ओ वाह वाह वाह, 12/3 राइट है, ये पास हो गया। 12/3 इज 4, 4 का पावर 4, रेडिकल साइन हट गई। 12 रख के देखो, 20 माइनस 12 8, 8/3, ना ना ना। 16 रखो, 20 माइनस 16 4/3, हाँ गलत है ये भी। 20 रख दो, 20 तो पास हो जाएगा, 20 माइनस 20 0, 4 इज टू पावर 0। तो ये इसके हिसाब से था, और इसके हिसाब से हमने चेक किए तो हमें सिर्फ आर की 2 ही वैल्यू पास हुए, उस कंडीशंस को फुलफिल कर पाए, वो है r=8 and 10, r=8 and सॉरी 20। तो बच्चों ये 2 आर है, मतलब कौन से टर्म्स है वो, टी आर प्लस वन होता है ना, तो दे आर T8+1 and T20+1, दीज आर द टर्म्स, T9 and T21 आर द टर्म्स, ठीक है। तो ये टर्म जो है, ये ही टर्म रैशनल है, क्योंकि इन पर रेडिकल साइन नहीं है, ये जो ऊपर की पावर से गायब हो गई। तो 2 टर्म रैशनल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ रैशनल टर्म 2, राइट है, 2 राइट है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, क्योंकि 20 पावर है इसका और एन प्लस वन होता है, एन पावर है, तो 21 में से 2 माइनस कर दिया है, तो बचे हुए जितने भी है वो इरेशनल ही होंगे, जो रैशनल है तो इरेशनल होंगे। 21 माइनस 2 19 है रैशनल टर्म, तो ये भी ऑप्शन राइट है। अब मिडल टर्म का देखते हैं, मिडल टर्म एन इज 20,
एन इज इवन, तो मिडिल टर्म क्या रहता है इसका, एन प्लस टू अपॉन टू, ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है, द टर्म दैट वुड प्रेजेंट इन द मिडल। तो टी 20 प्लस टू अपॉन टू, तो 22 बाय टू टी 11, तो टी 11 टर्म मिडल है, तो टी नाइन और टी 21 ही रैशनल है, बाकी सब इरैशनल, तो टी 11 भी इरैशनल ही हो जाएगा, तो इस हिसाब से मिडल टर्म भी रैशनल है। मस्त सवाल है, इजी क्वेश्चन है मैं जानता हूँ, लेकिन अब आ रहे तो क्या करें भाई। ये देखो सेम टाइप के दो क्वेश्चन है, इन्हें प्रॉपरली एक बार कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएंगे बस। ओके, थैंक यू।